हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आप लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक है। तो दोस्तों, मैं अपने न्यू ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ आज सुबह की 11 बजे से। तो दोस्तों, हम बैठ रहे हैं यहाँ धूप पे और मैंने धुले इतने सारे कपड़े, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कपड़े धुल रखे हैं ये। और हम यहाँ ऊपर छत पे बैठ रखे हैं और हो रही है धूप, बहुत अच्छी धूप लगी है और हम लोग ले रहे हैं धूप का आनंद। आप लोग देख सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। आज हल्की हल्की हवा भी चल रही है दोस्तों, तो आप देख सकते हो। बारिश तो परसों आई थी थोड़ा सा और बारिश आई नहीं, इसीलिए ठंड और ज़्यादा बढ़ गई। तो हमने अभी नाश्ता किया तो उसके बाद हम छत पर आए धूप सेकने के लिए और यहाँ पे हम ले रहे हैं धूप का आनंद। हम बैठ रखे हैं और मैंने यहाँ पे ला रखे हैं मूंगफलियाँ खाने के लिए। और मैं बताती हूँ क्या, और मैंने यहाँ पे बुकने भी ला रखे खाने के लिए, तो हम इनको खाएंगे। और अभी हम यहाँ पे धूप का आनंद लेते हैं और आप देख सकते हैं पहाड़ों का सुंदर सुंदर नज़ारा, कितना प्यारा और कितना सुंदर लग रहा है, देख सकते हो आप। आज क्योंकि पहाड़ों आज धूप आ रखी है तो तब हमारे यहाँ भी धूप आ रखी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है धूप बैठ के। मुझे तो अभी बहुत धूप लग रही है यहाँ पे, तो मैंने इसलिए ये ले रखा है, मुझे धूप लग रही थी इसलिए मैंने यहाँ पे दुपट्टा ले दिया। आप देख सकते हैं और यहाँ पे हमने ला रखी है एक पानी की बोतल, हमें प्यास लगेगी तो हम पानी भी पियेंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पे इतने सारे कपड़े धुले हुए, आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये तो किराएदार लोगों के कपड़े हैं। दोस्तों, तो यहाँ पे है मेरी सास और वो भी यहाँ पे ले रहे धूप का आनंद। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी सास भी लेके आई बहुने और मैं भी लेके आई यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो। दोनों सास बोली लाई बुकने खाने के लिए और यहाँ पे ये है मेरी सास और ये आपसे कुछ बोलना चाहती हैं। तो दोस्तों, आपने देख लिया, वही बोले हम धूप का आनंद ले रहे हैं क्योंकि हमें नीचे ठंड लगी थी और हम यहाँ पे बैठ रखे हैं तो बहुत अच्छी धूप लगी है। जब हमें धूप बहुत ज़्यादा लग जाएगी तो उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं, हम उससे और ऊपर जाएंगे बैठने के लिए। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे खा रहे हैं माल्टे, अब हम यहाँ पे खाते हैं माल्टे और आप लोग भी आइए और आप लोगों के लिए ही, आप लोगों के लिए है एक चम्मच आप लोगों के लिए भुखने की और ये एक चम्मच मैं भी खाती हूँ। और यहाँ पे मेरे साथ खड़क दी है भुखने, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए और मैं अपने निकालूंगी यहाँ खेत से सब्जी। और ये हो रखा है हमारे खेत में लहसुन। अभी तो ये सब्ज़ी कितनी थी और अब कितनी हो गई है, प्यारी सब्ज़ी बन के दोस्तों बहुत कम हो जाती है। आपने देखा हो अभी तक कितनी थी और अब कितनी हो चुकी है ये सब्ज़ी, क्योंकि अब इसमें उस टाइम अपना पानी
इसमें उस टाइम पानी नहीं छोड़ा था और अब हरी सब्ज़ी में आप देख सकते हो अभी मैंने इसमें पानी भी ऐड नहीं किया और हरी सब्ज़ी में पानी छोड़ दिया। यही होती है दोस्तों घर की सब्ज़ी, क्योंकि घर की ताज़ी सब्ज़ी है ये, इसीलिए इसमें खुद ही पानी छोड़ दिया और इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये धीरे धीरे इसी पानी में ये सब्ज़ी पकेगी। तो फ्रेंड्स मैं तब तक ले इस पर रख देती हूँ ढक्कन और आप लोग देख सकते हो अभी कितनी थी सब्ज़ी अब कितनी हो चुकी है। तो इसे थोड़ा 5-10 मिनट के लिए इस पर ढक्कन रख देते हैं। तो उसके बाद तो मैंने इस पर ढक्कन रख दिया है और गैस का फ्लेम बहुत कम कर दिया है तो अब ये बन रही है। तो इसे इसको 10 मिनट के बाद देखते हैं पकी कि नहीं पकी। चलो फ्रेंड देखते हैं सब्ज़ी पकी कि नहीं पकी। तो फाइनली सब्ज़ी पकती इतनी हो चुकी है और इसका पानी भी फूट चुका है। यहाँ पे ये सब्ज़ी बन चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्ज़ी पकती कितनी है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे प्रेस कर रही थी और बाहर भी अंधेरा हो चुका है और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। मैंने टोपी पहन दी है आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।